आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आज भी सीबीआई की छापेमारी जारी है। मोराबाद स्थित एनजीओसी कार्यालय में सीबीआई छापेमारी कर रही है। सीबीआई की टीम ने गुरुवार को भी यहां छापेमारी की थी। टीम महत्वपूर्ण कागजात और खेल घोटाले से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है। सीबीआई ने 34वें राष्ट्रीय खेल के कार्यकारी अध्यक्ष आर के आनंद, महासचिव एस एस हाशमी, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक और तत्कालीन खेल निदेशक पीसी मिश्रा को इस मामले में नामजद अभियुक्त बनाया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लगातार इस मामले की पड़ताल की जा रही है। रांची से खबर, खेल घोटाला मामले में सीबीआई पड़ताल कर रही है। तो कल भी सीबीआई की टीम ने मामले में पड़ताल की थी। खेल घोटाला मामले में सीबीआई छापेमारी कर रही है। एनजीओसी दफ्तर में घोटाले से जुड़े कागजात खंगाल रही है सीबीआई की टीम। कल भी सीबीआई ने यहां छापेमारी की थी। तो एनजीओसी दफ्तर में घोटाले से जुड़े जो कागजात हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। सीबीआई की टीम यहां पर मौजूद है। खेल घोटाला मामले में सीबीआई ने छापेमारी की है। हमारे एसोसिएट एडिटर अमित जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ ये पूरा मामला? जी अमृत, आज सीबीआई की टीम दूसरे दिन भी 34वें राष्ट्रीय खेल को लेकर सर्च अभियान अपना जारी रखा। उस सर्च अभियान के तहत मोराबादी स्थित नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का जो कार्यालय है स्टेडियम के पास, हॉकी स्टेडियम के पास, वहां सुबह सुबह सीबीआई की टीम गई और कागजों को वहां खंगाल रही है। आज दूसरे दिन कल सीबीआई की टीम ने एक साथ झारखंड, बिहार, दिल्ली के 16 स्थानों पर छापामारी की थी। उसमें रांची में बंधु तिर्की जो एनजीओसी के पदाधिकारी थे, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक, धनबाद में, बोकारो में, कई जगहों पर छापामारी हुई थी। इसमें हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने दो केस दर्ज किए हैं, जिसमें जो आईपीसी की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(d) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज हुई है और एक सीबीआई के द्वारा दूसरी प्राथमिकी दर्ज हुई है। वो आर के आनंद के खिलाफ 34वें राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के जो अध्यक्ष थे उनके खिलाफ, और एस एम हाशमी जो मतलब आयोजन समिति के महासचिव थे, मधुकांत पाठक जो कोषाध्यक्ष थे, ये दूसरा एक मामला दर्ज हुआ है। अभी तक सीबीआई दो मामलों को दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर दी है और लगातार दूसरे दिन आज सीबीआई अपना सर्च अभियान जारी रखे हुए है। और अनुमान है, जैसा बताया जा रहा है, कि सीबीआई को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं जिससे इस घोटाले के जल्द ही पर्दाफाश होगा और हाईकोर्ट में सीबीआई के द्वारा पहली रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जाहिर सी बात है सर, ये भी जानना चाहेंगे, तमाम मामलों में पूरे सूबे में सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, इसे किस रूप में देखा जा सकता है? ये खेल घोट 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच सीबीआई 2013 में भी कर चुकी थी और उसके बाद यह जांच एसीबी को दे दिया गया था, लेकिन एसीबी के द्वारा जांच संतुष्ट नहीं करने की वजह से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी, जिसके बाद से सीबीआई दो मामलों को पुनः दर्ज कर और अब इस घोटाले के जांच के अंतिम पायदान तक पहुंचने में के लिए रेस हो गई है। और जितने भी पदाधिकारी थे खेल आयोजन से संबंधित, जो सपोर्टिव लोग थे, उन सभी के लोगों से पूछताछ हो रही है, उनके ठिकानों पर छापामारी की जा रही है और आने वाले दिनों में भी छापामारी सीबीआई के द्वारा जारी रहेगी, ऐसा बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और इन तमाम मामलों पर न्यूज 11 भारत भी हर एक खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हम अपने दर्शकों तक पल पल की अपडेट दे रहे हैं और लगातार आपको हर एक कार्रवाई, चाहे वो ईडी की हो या फिर सीबीआई की हो, तमाम प्रकरणों का भी जिक्र आप तक हम कर रहे हैं और आपको हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।